दोस्तों एक खड़ी हुई है ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NH 200 एंड एक खड़ी हुई दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये दोनों बाइक के बीच में डिटेल कंपैरिजन। एक तरफ है न्यू मॉडल KTM ड्यूक 200 विद TFT डिस्प्ले, एक है बजाज पल्सर NH 200 फुली डिजिटल मीटर। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं इसका डिटेल रिव्यू बताऊंगा, दोनों का डिटेल कंपैरिजन बताऊंगा कि दोनों बाइक में दोस्तों हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, यानी क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। सो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप दोनों बाइक का डिफरेंस देखना चाहते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, डिटेल में आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं दोनों बाइक के कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले दोनों के प्राइस डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं कि दोनों में आपको कितना प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते कि हमारे पास पैसा कितना है। दोस्तों आपको बता दूँ KTM जो ड्यूक 200 है वो ऑन रोड प्राइस आ रही लगभग 2,38,000 रुपये के आसपास की जो आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अगर बात कर ले दोस्तों NH 200 के बारे में तो NH 200 ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 1,85,000 1,85,000 रुपये के आसपास की जो आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो भाई काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंस है, दोनों में आपको ऑलमोस्ट 50,000 से 60,000 रुपये के आसपास का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस क्या ड्यूक के साथ में जाना सही है, क्या ड्यूक में 50,000 डालना ज़्यादा सही है, वो आपको आगे पता चलेगा जब आप दोनों का कंपेरिजन देखेंगे। चलिए कंपैरिजन में आते हैं। सबसे पहले मैं दोनों की की ऑन करता हूं दोस्तों, फ्रंट की ये अपनी NS की है। देखिए दोस्तों दोनों की मैंने की ऑन की, आप देखेंगे सबसे पहले NH 200 में यहां पे आपको LED जो DRL लाइट है वो आपको इसमें देखने को मिलता है, और यहां पे आप देख पा रहे हैं KTM ड्यूक 200 में भी यहां पे भी आपको डुअल LED जो DRL लाइट है आपको देखने को मिलता है। तो लाइट LED दोनों में, मतलब दोनों में DRL लाइट मिलता है और दोनों का डिज़ाइन जो है काफ़ी अलग है। मेन लाइट में दोस्तों ड्यूक 200 में आप देखेंगे यहाँ पे आपको फुली LED लाइट मिल रहा है, आप देख सकते हैं कंपनी ने फुली LED लाइट दिया है। एंड NH 200 में भी आपको जो है फुली LED लाइट मार्क मिलता है, पास मार्क दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें भी आपको जो है फुली LED लाइट आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो LED लाइट है दोस्तों वो भी जो है दोनों बाइक में आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है। कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छी लाइट यहाँ पे दिए हुए हैं। जो टर्न सिंगल लैप है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे LED मिलेंगे। देखिए मैं ऑन करता, देखिए यहाँ पे भी LED और इसमें भी सेम मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको LED जो आपको देखने को मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, दोस्तों आपको बता दूँ NS में आपको फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलता है वो आपको USD यानी कि अपसाइड डाउन मिलता है, जो कि 31mm के USD फोक सस्पेंशन आपको बाइक में मिलेंगे। एंड ड्यूक 200 में आपको WP के 43mm के USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन क्वालिटी दोस्तों दोनों में जो है बहुत अच्छी मिल जाती है। टायर साइज़ में NS में दोस्तों आप देखेंगे कि फ्रंट में आपको 110/70 का टायर मिलता है, एंड ड्यूक NH 200 में भी आपको फ्रंट में 180 के आसपास का टायर साइज देखने को मिलेगा। बात कर ले दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में, देखिए वैसे तो ब्रेकिंग में आपको दोनों में ना स्पेशल फीचर में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, बट यहाँ पे फ़र्क भी है। देखिए ड्यूक में ना आपको फ्रंट में 300mm की प्लेट मिल रही है, NS में भी 300mm की प्लेट मिल रही है, इवन दोनों की प्लेट भी सेम है, लेकिन फ़र्क ये है दोस्तों कि NS में ना आपको देखिए यहाँ पे नॉर्मल डुअल पिस्टन कैलीपर मिलेंगे, बट इसमें आपको रेडियल कैलीपर मिलते हैं। इन कैलीपर की जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा बेहतर निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कैलीपर, तो ये आपको फ़र्क मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। इंजन टाइप में देखिए ऐसा है कि NH 200 में आपको 119.5 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा। NH 200 में दोस्तों आपको 119.5 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOST जो इंजन है वो आपको इसमें देखने को मिलता है, किसमें सॉरी KTM ड्यूक 200 में DOST इंजन है, NS में SOS इंजन है। बात करें दोस्तों पावर एंड टॉर्क के बारे में, NH 200 मैक्सिमम पावर में जो दोस्तों लगभग 24.5 का PS पावर जनरेट करती है, 18.7 का टॉर्क जनरेट करती है। एंड अपनी जो ड्यूक 200 है वो दोस्तों आपको लगभग पावर जनरेट कर रही है 25 का PS पावर जनरेट करती है, 19.3 का टॉर्क जनरेट करती है, यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी जो ड्यूक 200 है दोस्तों उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिलता है एज़ कम्पेयर टू NH 200। ठीक, कूलिंग सिस्टम में दोनों में लिक्विड कूल इंजन है, ये आप देख सकते हैं ड्यूक 200 का लिक्विड कूल इंजन है, आपका NH 200 का लिक्विड कूल इंजन है। दोनों बाइक में दोस्तों आपको जो है 6 गियर आपको देखने को मिलता है। दोनों बाइक जो है स्लीपर क्लच के साथ में आती है। दोनों बाइक में आपको E20 BS6 थॉम्स वाला जो इंजन है वो आपको देखने को मिलेगा, और दोनों का जो इंजन क्वालिटी बहुत सुपर है। ध्यान रखिए दोनों ही बाइक में स्लीपर क्लच नहीं आता, दोनों बाइक नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक,
चलिए बात कर ले दोस्तों अब दोनों ही बाइक की माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे माइनर फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। यहाँ पे अपनी जो NS200 है वो आपको माइलेज निकाल कर देती है लगभग, NS200 आपको माइलेज निकाल कर देगी लगभग दोस्तों वही लगभग 35 के आसपास का माइलेज निकाल कर देती है। ड्यूक 200 आपको लगभग वो भी 35 का माइलेज देगी। 0-100 में ड्यूक थोड़ी फास्ट है, वो लगभग 9.5 सेकंड लगाती है, NS 10.5 सेकंड लगाती है। दोनों की टॉप स्पीड लगभग आपको 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है दोस्तों आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों दोनों के स्पीडोमीटर की तरफ, ठीक है। पहले मैं आपको NS का स्पीडोमीटर दिखाऊंगा, ये आप देखिए NS 200 में दोस्तों आपको जो ना फुली डिजिटल मीटर आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको जो फीचर है दोस्तों आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लो ऑल इंडिकेटर, यहाँ पे आपका नीडल इंडिकेटर, ये आपका देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपना RPM है, यहाँ पे नेविगेशन है, इसमें गियर इंडिकेटर भी मिलता है, 220 में नहीं मिलता, इसमें गियर इंडिकेटर भी मिलता है। इसके स्पीडोमीटर है, यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2, साथ में पल्सर, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। स्विचेस में ये पास स्विच, इसका आपका मोड का स्विच, टर्न सिंगल ऐप, ये हॉर्न, यहाँ इंजन किल स्विच और एक सेल्फ स्विच आपको बाइक में मिलेगा। बात कर ले दोस्तों अब इस अपनी KTM ड्यूक 200 के TFT डिस्प्ले के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों आपको फुली कलर TFT पैनल आपको इसमें देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं फुली कलर TFT पैनल है दोस्तों। इसमें भी ना आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले ये क्लॉक है, ये इंजन मालफंक्शन लाइट है, ये ABS की लाइट है, ठीक। यहाँ पे फ्यूल रेंज है, यहाँ पे बैटरी है, 0 स्पीड, ट्रिप 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकती है इसका स्पीडोमीटर, मैं ऑन भी कर देता हूँ किल स्विच, ठीक है। वहाँ पे स्पीडोमीटर के चेंजेस के बारे में बात करूँ तो पहले तो आप देखेंगे ड्यूक में आपको नए स्विचेस मिल रहे हैं, साथ में यहाँ पे आपको 1000 का भी स्विच मिल जाता है जो कि NS में नहीं मिलता दोस्तों। यहाँ पे इधर सेटिंग्स में जाते हैं जिसमें आपको काफ़ी फीचर मिलेंगे, इसमें आपको मोटरसाइकिल में ABS है, उसके बाद यहाँ पे बाइक इन्फो में कूलेंट टेम्परेचर, रेंज, ओडो बैटरी, ओडो सर्विस, वार्निंग, एक्स्ट्रा फंक्शन, उसके बाद ये ट्रिप 1 ट्रिप 2, इसमें नेविगेशन भी मिलता है। उसके बाद सेटिंग में क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, एक्स्ट्रा फंक्शन, ये सारे फीचर आपको जो अपने ड्यूक में मिलेंगे, ठीक। मतलब ड्यूक 200 में फीचर ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू NS 200। अब आते हैं दोनों की रियर प्रोफाइल में, आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी KTM ड्यूक 200 की टेल लाइट है या अपनी NS 200 की टेल लाइट है, तो किसकी अच्छी लगी आप बताइएगा। रियर में आपको NS में 130/70 का टायर मिलता है, ड्यूक में 150/60 का टायर मिलता है। ड्यूक में 230mm की डिस्क ब्रेक है, रियर में NS भी 230mm है। ड्यूक में भी अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है और NS में भी आपको जो अंडर बेली एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है, ठीक। साथ में सीट में दोनों में स्प्लिट सीट आता है, आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी KTM ड्यूक 200 का है और ये अपनी NS 200 का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो दोस्तों दोनों बाइक का डिटेल कंपैरिजन रिव्यू। अब दोस्तों आप बताइएगा कि क्या आप 50,000 रुपये KTM ड्यूक 200 में एक्स्ट्रा देना चाहेंगे ओनली फॉर TFT डिस्प्ले। हालांकि लुक है भाई ड्यूक का लुक है, बट फिर भी 50,000 जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है। आप बताइएगा दोस्तों आप दोनों में कौन सी प्रेफर करना चाहेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा NS वैल्यू फॉर मनी है भाई, आपको NS के साथ में जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।